बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम जो है वो एक दफा फिर आशिकान हुसैन 2022 में रवाना हो रहे हैं नजफ अशरफ की तरफ, किबला शहनशाह साहब की क्यादत में, और इंशाल्लाह इस्तेफादा रहेगा। जो लोग पूरे इराक में वो इंतजार कर रहे हैं, और पाकिस्तान से जो जा रहे हैं, कई सौ अफराद पहुंच गए और कई सौ अफराद अगले दो दिनों में पहुंचेंगे। आगा क्या कहेंगे इस मौके पर करबला का सफर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ज़ियारत सआदत है और इंसान अजर रिसालत की अदायगी का अगर एक उनवान ज़ियारत को करार दे तो वो बजा है और बेहतर है और सही है। हमें नबी मुकर्रम को अजर देना है, उन्होंने मांगा है कि मेरी फितरत से, मेरी आल से, मेरे कुर्बा से मवद्दत करो, और मवद्दत का एक उनवान, बहुत रोशन वाजे उनवान ये है कि हम ज़ियारत के लिए पहुंचे। ज़ियारत के अयाम में जितने दिन भी हम वहां रहते हैं, एक एक सांस हमारा इबादत में होता है, क्योंकि हम जुड़े हुए होते हैं अपने रब के साथ और रब के खास बंदों के साथ। मैं सबको कहूंगा कि जो अब तक नहीं गए हैं वो इरादा करें, और जो जा चुके हैं वो बार बार जाएं, और जो हमारे साथ वहां हैं इंशाल्लाह उनकी जाते हैं हर साल से हमेशा से ज़्यादा अच्छी होगी। और पाकिस्तान एयरलाइन को भी जिसके ज़रिए से हम जा रहे हैं उनके लिए मैं खास दुआगो हूँ कि अल्लाह उन्हें मजीद तरक्की। बहुत शुक्रिया।